जिस लक्ष्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में ले लेते हैं, उसे मुमकिन करके ही वो दम लेते हैं। भले ही आज दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती का दौर हो, लेकिन पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन के पार ले जाने का। तो अब समझ लीजिए, देश का ये सपना भी जल्द वो पूरा कर ही देंगे। इस काम के लिए पीएम मोदी इंडस्ट्री को बूस्टर डोज देने की तैयारी पूरी कर चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। पीएम मोदी ने ये काम खुद अपने हाथों में ले लिया है। इसके लिए पीएम देश विदेश के निवेशकों में भरोसा जगाने के लिए खुद सीधा संवाद भी कर सकते हैं। मोदी सरकार की तरफ से देश की अर्थव्यवस्था को पुश देने के लिए जो ऐलान हो सकते हैं, वो इंडस्ट्री को भी हैरान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सरकार आम आदमी के साथ साथ इंडस्ट्री को भी टैक्स में राहत दे सकती है। सरकार नौकरियां बचाने का मास्टर प्लान भी तैयार कर चुकी है। इसके लिए उद्योगों को अलग से राहत पैकेज दिया जा सकता है। सरकार इंडस्ट्री की मांगों का ख्याल रखते हुए उन बजट प्रावधानों को हटाने का ऐलान भी कर सकती है जिन पर ऐतराज जताया गया था। इसके साथ ही पीएम मोदी सरकारी खर्च में कटौती का ऐलान भी कर सकते हैं। 2 साल में सरकारी खर्च में कटौती से लगभग 75,000 करोड़ रुपए बचाए जाएंगे। मंत्रियों और अधिकारियों की गैर जरूरी सुविधाओं और रोजमर्रा के खर्चों में कटौती करके सरकार ये बचत करेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो भी उपाय अपनाए जाएंगे उनकी वजह से कल्याणकारी योजनाओं को दिए जा रहे फंड में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पीएम मोदी अपने इस बूस्टर डोज से भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन के पार ले जाकर ही दम लेंगे।